बिहार में दशहरा और दिवाली के बीच नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। पहले चरण के मतदान के लिए 8 अक्टूबर और दूसरे चरण के मतदान के लिए 18 अक्टूबर तक बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाकर तैयार रखे जाने को कहा गया है। आयोग के इस निर्देश के बाद माना जा रहा है कि राज्य में नगर पालिका चुनाव 10 और 20 अक्टूबर के बीच कराए जा सकते हैं। आयोग ने चुनाव संबंधित तिथियों में पूजा पर्व पर विशेष ध्यान रखा है। बता दें कि 5 अक्टूबर को दशहरा और विजयदशमी के साथ समाप्त होगा, जबकि दूसरी ओर 24 अक्टूबर को देशभर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि सभी जिले राज्य निर्वाचन से 28 सितंबर तक हर हाल में चुनाव सामग्री प्राप्त कर लें। इसके बाद मतदान दल का 8 अक्टूबर तक पहले चरण के लिए और 18 अक्टूबर तक दूसरे चरण के मतदान सामग्री उपलब्ध कराएं। आयोग ने सभी जिलों को दिए गए प्रशिक्षण अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। पहले चरण के मतदान के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण 8 अक्टूबर और दूसरे चरण के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 18 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलों को दिए गए हैं। आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि 2 से 5 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा का अवकाश रहेगा, इसे देखते हुए समय पर प्रशिक्षण तिथि भी तय कर ली जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने संचार योजना कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने के लिए भी 5 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की है। जिले में निर्वाचन कराने के लिए पदाधिकारी बूथ के निकट रहने वाले मतदाताओं के नाम मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 20 सितंबर तक की मियादी तय की है। इसके साथ ही आयोग ने सभी जिलों को सुरक्षा बलों की उपलब्धता की रिपोर्ट 1 सितंबर तक आयोग को मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को ईवीएम आवंटित कर दिया है। जिलों को 32,562 बैलेट यूनिट और 34,118 कंट्रोल यूनिट आवंटित की गई है। निर्वाचन आयोग राज्य के 224 नगर पालिकाओं के 4,874 वार्डों के मतदान कराने जा रहा है। इसके लिए 14,043 बूथों की स्थापना की गई है। राज्य में शेष 24 नगर पालिकाओं में आरक्षण सहित बूथों का गठन अभी नहीं किया गया है। शेष नगर पालिकाओं के चुनाव बाद में कराए जाएंगे।